चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी यात्रा। यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचे, यहां उन्होंने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। मोदी कैबिनेट की बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होंगे कई अहम फैसले, हालांकि नहीं होगी CCEA की बैठक। शेख हसीना के दौरे से दिल्ली और ढाका के बीच रिश्तों में गर्माहट, द्विपक्षीय वार्ता के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर करेंगे काम, IT अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बढ़ेगा सहयोग। विपक्षी एकता में जुटे उत्साहित नीतीश कुमार का बयान, बिहार से आगे अब हम देश का मॉडल बनाने में जुटे, केजरीवाल येचुरी के साथ गुरुग्राम में चौटाला से भी की चर्चा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में सुधार को लेकर हंगामा, जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा जबरदस्ती ना करे सरकार, हमें हमेशा शक की नजर से ही देखा जाता। लिज ट्रस बनी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री, टैक्स में बड़ी कटौती का कर सकती है ऐलान, भारतीय मूल के ऋषि को पछाड़ कर चुनी गई थी कंजर्वेटिव पार्टी की नेता। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद और मुंबई में ईडी की छापेमारी, बोले सिसोदिया रेड में ईडी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ईडी की कार्रवाई पर मनीष सिसोदिया का बयान, केजरीवाल को काम करने से रोकने की साजिश, बीजेपी केजरीवाल को रोक नहीं पाएगी, पहले भी उन्हें कुछ नहीं मिला था, ईडी के छापों में भी कुछ नहीं मिलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर बीजेपी सरकार के गठन पर देश भर के किसानों को मुफ्त में दी जाएगी बिजली। दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स की बड़ी खेप, गिरफ्तार अफगानी नागरिक के पास से मिली 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स, दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी दिल्ली क्राइम ब्रांच। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में 3 चक्रवाती सिस्टम एक्टिव है, जिसके कारण झारखंड, बिहार सहित पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा और इडुक्की में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अलापुझा, कोट्टायम और एनारकुलम जिले ऑरेंज अलर्ट पर है, साथ ही बाकी जिलों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक अरविंद गिरी का हुआ निधन, बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक अरविंद गिरी मीटिंग के लिए लखनऊ जा रहे थे, इस दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दक्षिण कोरिया में चक्रवाती तूफान हिनामनोर ने मचाई तबाही, तूफान के चलते करीब 20,000 घरों की बिजली गुल हो गई, तो वहीं कई जगहों पर पेड़ और सड़कें टूट गई। हादसों से बचने के लिए सरकार ने कुछ उड़ानें रद्द कर दी, साथ ही स्कूलों में भी अवकाश घोषित किया गया। पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो में IED से बड़ा हमला, IED ब्लास्ट में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई जबकि 37 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बता दें अफ्रीकी देश पिछले साल से विद्रोहों की चपेट में है। चीन में आए भूकंप से हुई भारी तबाही, भूकंप से चीन के सिचुआन प्रांत में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, वहीं अब तक 46 लोगों की मौत की खबर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है, हमने अभी अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर भारतीय के दिल में एक ही इच्छा है कि हम विश्व गुरु बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान की आधिकारिक यात्रा करेंगे, 7 से 10 सितंबर तक दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। कोटा में धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला का जोरदार स्वागत, स्टूडेंट्स से संवाद में बोले प्रधान, केंद्र सरकार कर रही एक डिजिटल विश्वविद्यालय की कल्पना, बिरला ने कोटा को बताया शिक्षा की काशी। भरतपुर में रिश्तों का खून, पति ने पत्नी की हत्या कर खेत में दबाया शव, चिकसाना पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। कोर्ट स्वास्थ्य सहायकों के साथ बातचीत फिर फेल, महापुरा में हाईवे पर CHA का हंगामा, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर संभाले हालात, किरोड़ी बोले हमने सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के अलवर में बड़ी कार्रवाई, थानागाजी, नगरपालिका, EO और दलाल 2 लाख रुपए की घूस लेते ट्रैक, ठेकेदार के बिल पास करवाने के एवज में मांगी घूस। बीकानेर पुलिस ने नकली नोट के गैंग पर कसा शिकंजा,
29,000 की जाली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नोट बनाने का हाई सिक्योरिटी थ्रेड लगा, पेपर भी बरामद। कोटा पुलिस की गिरफ्त में 200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोपी, 10,000 की नामी मुरली मनोहर नामदेव का सरेंडर। चिटफंड कंपनी के जरिए 2500 लोगों को बनाया था निशाना। राजस्थान के वुशू खिलाड़ियों ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कमाल का प्रदर्शन किया। कालीकट में 1 से 6 सितंबर तक आयोजित जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित कुल 14 पदक जीते हैं। बारह में डोल मेले का आगाज, नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता के साथ बीजेपी वार्ड पार्षदों ने मेले का निरीक्षण किया। भिलवाड़ा के शाहपुरा में जलझूलनी एकादशी के मौके पर कई मंदिरों के देवाणों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पर शाहपुरा श्याम सेवा समिति और आम नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। प्रतापगढ़ की रठांजना थाना पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी में लंबे समय से फरार तस्कर को गिरफ्तार किया। नाकाबंदी के दौरान 53 किलो अफीम डोडा चूरा पकड़ा गया था। पुलिस अब आरोपी तस्कर से पूछताछ में जुटी है। धौलपुर में विधवा महिला के साथ शादी का झांसा देकर लगातार 1.5 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जांच शुरू कर दी। डिडवाना के राजकीय बागड़ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश खीचड़ ने प्राचार्य डॉक्टर जहांगीर कुरैशी को ज्ञापन सौंपा, स्टूडेंट्स की कई समस्याओं और मांगों को सामने रखा। नागौर के मकराना में एसडीएम जेपी बेरवा ने इलाके के कई स्कूल्स और मदरसों का औचक निरीक्षण किया और वहां पर पहुंचकर पोषाहार जांचा। एसडीएम ने स्टूडेंट से कहा कि वो शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दें ताकि उनका भविष्य बन सके। सीकर के फतेहपुर में गणेश महोत्सव का समापन हुआ। स्थानीय कलाकारों ने जागरण का आयोजन किया। महाआरती कर 56 भोग लगाया गया। महाआरती में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। टोंक में राज्य स्तरीय ढोलक झांझा और अलगोजा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। वहीं मनराज दीवाना और उनकी टीम ने एक से बढ़कर एक लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी। अजमेर के मसूदा में जलझूलनी एकादशी पर ठाकुर जी का नगर भ्रमण करवाया गया। तालाबों की पाल पर ठाकुर जी की प्रतिमाओं की सामूहिक आरती की गई। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से जलझूलनी एकादशी पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान एक दर्जन से ज्यादा व्यायामशालाओं के पहलवान मौजूद रहे। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भगवान के जयकारे लगाए। बारह के डोल मेले को लेकर प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। एसपी कल्याणमल मीणा के निर्देश पर पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जालौर में तेजादशमी का त्यौहार जाट समाज सेवा संस्थान की ओर से धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। भिलवाड़ा में युवती की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने का मामला सामने आया। पुलिस की टीम ने मौका का मुआयना कर सबूत जुटाए। शव की पहचान बोरखेड़ा निवासी कन्या देवी बावरी के रूप में हुई है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम का जायजा लिया। इस मौके पर आरसीए टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। वैभव गहलोत ने कहा कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने की पूरी संभावना है। चूरू के रतन नगर में निःशुल्क मिर्गी निदान और उपचार शिविर का समापन हुआ। त्रिवेणी देवी सुरका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 338वें कैंप में 525 मरीजों का इलाज किया गया, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। ग्राम विकास अधिकारियों ने नागौर में प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहनकर वीडियो ने विरोध जताया। लिखित समझौता पत्र को लागू करने की मांग की। मध्य प्रदेश में बाइक चोरी का मामला सामने आया। धौलपुर में पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 315 बोर का देशी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ चोरी की बाइक बरामद की। दोनों बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जुटी।
शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर को शुरू की जाएगी। नागौर जिले में स्वीकृत संविदा पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई है। झालावाड़ के भवानी मंडी में जलझूलने एकादशी पर कृष्ण भगवान की निकाली गई पालकी, साथ ही बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया भाग। भगवान की आरती उतार कर प्रसादी का वितरण किया गया। रतनगढ़ शहर के वार्ड 32 में घर में बुजुर्ग महिला को अज्ञात महिला ने बेहोशी की दवा सुंघाकर चोरी कर ली, गले और हाथों से सोने के आभूषण लेकर फरार हो गई। बाबा रामदेव का भादवा मेला पूरे परवान के साथ चल रहा है। एकादशी पर श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। प्रतापगढ़ में 5 दिन पहले निर्माणाधीन मकान में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। डीडवाना में आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने दुकान को पेट्रोल डालकर जला दिया, जिसके बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने आरोपी के साथी को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ में जलझूलने एकादशी के मौके पर भगवान सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर साल की तरह इस बार भी भगवान सांवलिया सेठ के बाल स्वरूप को रजत रथ में सवार करके नगर भ्रमण पर ले जाया गया। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य छापर पहुंची, जहां उन्होंने आचार्य महाश्रमण साध्वी विश्वविभा से आशीर्वाद लिया। झुंझुनू के चिड़ावा में उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ के पैतृक गांव के थाना के दौरे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं इसको लेकर हेलीपैड पर 2 हेलीकॉप्टर उतारकर ट्रायल किया गया। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक दुकान के बाहर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए गए। शव की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखा। बांसवाड़ा में अज्ञात वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। बता दें कि यूपी से बांसवाड़ा मजदूरी करने आया था युवक। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने धौलपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। धरने के दौरान विकास अधिकारी संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गुजरात के साधु की कार में बांसवाड़ा में एक मरा हुआ सियार मिला। सियार मिलने की सूचना के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, साधु और 2 चेलों को पकड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। बूंदी में नेशनल हाईवे 52 बाईपास पर तालेड़ा के पास पिकअप से बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई। पिकअप को पुलिस ने डिटेन कर लिया। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कलश यात्रा का अजमेर के रूपगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। गुर्जर समाज के लोगों ने अस्थि कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ब्यावर में विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सिरोही में सिरणवा की गोद में सजेगा मां का दरबार, जगदम्बे मंडल स्वर्ण जयंती वर्ष को बनाएगा भव्य। चूरू के चातुर्मास में स्टूडेंट्स का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आचार्य महाश्रमण ने बच्चों को संबोधित किया। साथ ही आचार्य ने स्टूडेंट्स को नशे से दूर रहने की अपील भी की। अजमेर के ब्यावर में 3 दिवसीय ऐतिहासिक तेजा मेले में बनी रौनक, और किसी भी पुरुष को मेले में नहीं दिया गया प्रवेश। इस दौरान पुलिस जाब्ता दिनभर मेले में पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। सीकर के खंडेला में बालिका स्कूल में छात्राओं के समूह ने स्कूल गेट पर ताला जड़ा, शिक्षकों के तबादले को लेकर विरोध जताया। बाली में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर आक्रोश जताया, साथ ही ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सुंदरकांड का पाठ भी किया। दौसा में हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की से गूंजा मेहंदीपुर धाम। ठाकुर जी की महाआरती में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु, साथ ही भक्तों में वितरित की गई चंडामृत, राजगिरी की प्रसाद। बूंदी में पर्युषण पर्व के 7वें दिन उत्तम तप धर्म मनाया गया। पर्युषण पर्व के 7वें दिन उत्तम तप धर्म पूजा की, साथ ही पूजा में समाज के समस्त महिला पुरुष और बच्चे मौजूद रहे।